आज आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। इंसिडेंट कल का है, कनॉट प्लेस का। जब मैं घूमने गया हुआ था तो मैंने देखा वहां पर लास्ट में एक अंकल बैठे हुए थे। अंकल ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अंकल के बाल वाइट थे, अच्छे जूते थे, लेकिन हाथ में एक बैग और एक बोर्ड पकड़ा हुआ था। वो खड़े हुए थे, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कोरोना की वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूं, मेरी कुछ मदद कीजिए। मैं पैसे लेकर अंकल के पास गया और अंकल को वो पैसे पकड़ाने की कोशिश करी तो अंकल ने पैसे नहीं पकड़े बल्कि बैग आगे कर दिया कि मेरे बैग में डाल दो। मैंने अंकल से पूछना चाहा कि अंकल आप पहले क्या करते थे, तो उन्होंने बताया कि मैं पहले एक पीजी चलाता था। अब जैसे कि स्टूडेंट्स नहीं हैं, सारे अपने अपने घरों में हैं, तो इस करके पीजी का काम चल नहीं रहा। वो पीजी भी जो था वो किराए पे था और वो खुद भी किराए पे रहते हैं। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप के घर में कितने लोग हैं, तो अंकल ने कहा कि मैं, मेरी वाइफ और दो बेटियां, जिनमें से एक तो अभी पढ़ रही है और एक 12,000 रुपया महीना कमाती है, जो कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। 12,000 उसको कमाने हैं 3 साल तक। तो मैंने अंकल से और पूछना चाहा तो अंकल ने बताया कि 8,000 रुपया हमारा किराया है, हमें 8,000 रुपया किराया देना पड़ता है महीने का, और कमाई का जरिया कोई है नहीं बेटी के अलावा। तो 4,000 रुपया महीना आई डोंट थिंक कि उनका खर्चा चल पाता होगा, जिसकी वजह से उनको ये स्टेप लेने की जरूरत पड़ी। तो मैंने अंकल को अपना कार्ड दिया, मैंने अंकल को बोला कि अंकल ये मेरा कार्ड है, जहां वो रहते हैं हमारा ऑफिस उस एरिया में ही पड़ता है। तो मैंने उन अंकल को अपना कार्ड दिया, मैंने अंकल आप ये मेरा कार्ड ले लो, मुझे फोन करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी की कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाए, जिससे कि उसको अच्छी सैलरी मिले। तो अंकल ने कहा कि चलो मैं पूछ के बताऊंगा। बाकी उन्होंने कहा कि मेरी कहीं जॉब लग जाए तो ज्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि अंकल जो हैं वो 55-58 के मुझे लग रहे थे, 58 ईयर्स उनकी एज होगी आराम से। और मैंने अंकल को कार्ड देके वहां से मैं चल दिया। अभी मेरे पास आज अंकल का फोन आया कि भाविक जी मेरी आपसे कल मुलाकात हुई थी कनॉट प्लेस में, तो मेरी बेटी का तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो छोड़ नहीं पाएगी, बाकी मेरे लिए आप कुछ बता दीजिए, मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे कुकिंग आती है, तो मेरे लिए कुछ आप जॉब बता दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है अंकल, मैं आपको बताऊंगा, मैं ढूंढ के कुछ बताता हूँ। तो मैं अंकल के बिहाफ पे आप सबसे हेल्प मांगना चाहूंगा कि अगर कोई भी बंदा है जो कि अंकल को जॉब प्रोवाइड कर सके, जैसे ड्राइवर रख सके, जब अगला तैयार है तो हमें जॉब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर किसी को ड्राइवर की जरूरत हो, किसी को कुछ भी ऐसी जॉब देनी हो, या कोई भी किसी भी तरह की उनकी हेल्प करनी हो, तो प्लीज मुझे बताइए, कोई जॉब हो उनके लिए, अपॉर्चुनिटी कोई हो ऐसी जो कि वो कर पाए, और अंकल फिट थे, कोई ऐसे नहीं कि उनको किसी का सहारा लेके चलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, चलते फिरते फिट थे, इतने घंटों खड़े रहते हैं वो बोर्ड पकड़ के। तो हालातों ने उनको ये मजबूर करा ये सब ऐसे करने के लिए। लेकिन मैंने सुना है कि सोशल मीडिया जो है बहुत ताकतवर है, तो इन केस हम सारे मिलके उनकी हेल्प कर सके, पैसे देना अलग बात है, अगर हम उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकें, जॉब उनकी कहीं लगवा सके एज अ ड्राइवर, और कुछ भी हम उनके लिए कर सकें, तो प्लीज मुझे बताइए, मेरे मैसेंजर पे मैसेज करिए, मेरे नंबर पे मैसेज करिए 9899510730 पे, और कुछ भी आइडिया आपके पास आए तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, और इससे